निशिकांत दुबे को लगातार चौथी बार भाजपा के द्वारा गोड्डा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद निशिकांत दुबे के गृह जिला भागलपुर में निशिकांत दुबे के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। निशिकांत दुबे के समर्थक अभिजीत गुप्ता के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए प्रधानमंत्री, भाजपा और निशिकांत दुबे के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे के द्वारा 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का दावा करते हुए कहा कि इस बार निशिकांत दुबे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल भी किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि निशिकांत दुबे मूल रूप से भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के भवानीपुर के अस्थायी निवासी है। खुशी का तो खैर भंडार है, अंग के लाल निशिकांत दुबे जी को चौथी बार गोड्डा लोकसभा से टिकट मिला है, इसके लिए तो हम लोग भागलपुर की जनता उनको दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस बार 5 लाख पार निशिकांत जी चुनाव जीतेंगे 5 लाख से अधिक मतों से। ये हम लोगों का बाबा बूढ़ानाथ के पास के लोग हैं, हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस बार सांसद के रूप में के साथ साथ मंत्री के रूप में रहेंगे, यही हम उनसे और बाबा बूढ़ानाथ से, बौछकीनाथ से, देवघर मंदिर से, सारे मंदिरों से प्रार्थना करते हैं कि इस बार सांसद तो होंगे ही और मंत्री भी होंगे। गोड्डा का जो विकास हुआ है उसके साथ साथ हम लोग कामना करते हैं कि भागलपुर का भी विकास के प्रति उनका रुझान बढ़े, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई। आज हम लोग बहुत खुशी हैं माननीय सांसद निशिकांत दुबे भैया को चौथी बार टिकट भाजपा से मिला है, इस बार 5 लाख पार से जीतेंगे और कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे और जो भी विकास बाकी है मेरे अनुसार से वो एरिया में कोई विकास बाकी नहीं है जो निशिकांत भैया से छूटा हो, फिर भी जो बाकी है वो सारा पूरा होगा। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाई आतिशबाजी गुलाल से हम लोग को बहुत खुशी है, भागलपुर के जनता को बहुत खुशी। हम सभी के प्रिय चहेते, हम सभी के बड़े भाई आदरणीय निशिकांत दुबे जी को लगातार चौथी बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से टिकट प्राप्त हुआ है। जिस तरह उन्होंने 3 बार लगातार जीतकर गोड्डा में जो विकास की गंगा बहा दी, मुझे पूरा विश्वास है इस बार फिर से वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और गोड्डा को बिहार झारखंड ही नहीं पूरे भारत के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान देंगे वो निशिकांत दुबे जी होंगे। भागलपुर में 13 पुलिस चौकी को थाने में उत्क्रमित कर दिया गया है। जोगसर बाईपास यूनिवर्सिटी सहित 41 जिले के 13 पुलिस चौकी को थाना बनाया गया है। शहर के जोगसर पुलिस चौकी को थाने में उत्क्रमित करने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने फीता काटकर थाने का उद्घाटन किया। जोगसर थाने में SSP को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस चौकी को थाने में उत्क्रमित करने के बाद जहां पुलिसिंग बेहतर होगी वहीं आम लोगों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। भागलपुर में बिहार सरकार के द्वारा कल ही जो 13 OP अधिसूचित या गैर अधिसूचित कार्यरत थे उनको थानों में उत्क्रमित किया गया है, जिसमें कि सदर जो सिटी अनुमंडल है उसके 5 OP को उत्क्रमित किया गया है और कहलगांव अनुमंडल के 5 OP को उत्क्रमित किया गया है और जो विधि व्यवस्था अनुमंडल है उसके 3 OP को उत्क्रमित किया गया है। और OP से जब थाना बन जाता है तो पहले प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना से आवेदन OP से आवेदन प्राप्त किया जाता था आवेदकों से, उसके बाद उसको थाना भेजा जाता था। उसमें कुछ विलंब होता था और उसमें अनुसंधान को प्रारंभ करने में थोड़ी देरी होती थी, तो अब यह देरी नहीं रहेगी और बतौर थाना जब एक OP कार्यरत हो जाता है तो उसको CRPC के तहत बहुत सारी शक्तियाँ थानाध्यक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि वह लोगों की समस्याओं को और अच्छे तरीके से त्वरित तरीके से निष्पादित कर सकता है, प्राथमिकी तुरंत दर्ज हो सकती है, अनुसंधान तुरंत प्रारंभ हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा कदम है भागलपुर के पुलिस के लिए और साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए। इससे जो हम लोग की पुलिसिंग है और हम लोग का जो मकसद है अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण, विधि व्यवस्था का संधारण और आमजनों में जो सुरक्षा की भावना है उसको विकसित करना, उसको और गति मिलेगी और हम लोग और अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। इसमें 2 OP और हमारा रह गया है जो कि अगले चरण में उत्क्रमित हो जाएगा
और उसके बाद फिर जितने भी ओपी कार्यरत हैं सभी थानों में उत्क्रमित हो जाएंगे और हम लोगों को इससे कार्य करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और अभी जो नया थाना बना है ओपी, वहाँ पे हमारे सभी वरीय पदाधिकारी प्रत्येक ओपी पर मौजूद हैं और आज जो थाना दैनिकी खोली गई है वो उनकी उपस्थिति में खोली गई है और सभी के द्वारा वहाँ पे जो आमजन है उनसे भी संवाद किया जा रहा है और उनको भी बताया जा रहा है कि ओपी खुलने से उनको क्या सहूलियत मिलेगी, उनको क्या मदद मिलेगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की गौशाला परिसर से बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे और घोड़े के साथ खाली पांव हाथ में निशान लिए भक्त भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए गौशाला परिसर से निकलकर कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए लगभग 5 किलोमीटर पैदल यात्रा तय कर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरे देश में भोलेनाथ का निशान केवल भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में चढ़ता है, इसको लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे। निशान यात्रा में श्रद्धालुगण गौशाला में जुटते हैं, यहाँ पर भजन आरती करके निशान उठाकर और बाबा विद्येश्वर नाथ मंदिर में जाकर निशान चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की, निशान के प्रति एक अलग उनका एक लगाव है और यह एक आध्यात्मिक यह संकेत भी है कि आज की युवा बहुत जागृत हो रही है, धर्म के प्रति निष्ठावान हो रही है और जब जब लोग धर्म के का झंडा बुलंद करेंगे तब तक इस देश में शांति सद्भाव कायम रहेगा। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से पिछले 8 वर्षों से ये भव्य निशान यात्रा निकलती है। महादेव की भक्ति में डुबकी लगाते हुए, गोते लगाते हुए, भक्त जयकारा करते हुए और शहर की विभिन्न गलियों से होते हुए देवाधिदेव जो बृहदेश्वर नाथ महादेव का भव्य मंदिर है वहाँ जाकर इस निशान को समर्पित करते हैं। मन में एक ही विश्वास, एक ही भाव कि महादेव सबका कल्याण करें। वो देवाधिदेव जो खुद विस्पान करते हैं और लोगों को अमृत दान करते हैं, उनकी कृपा सबों पर बनी रहे। देखिए पिछले 9 वर्ष से आज 9वां साल है बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से बाबा बूढ़ानाथ का निशान शोभा यात्रा हम लोग निकालते आ रहे हैं। ये 9वीं भेंट है और सबसे बड़ी ये बात है निशान शोभा यात्रा का पूरे भारत में ये पहला निशान शोभा यात्रा है जो कि बाबा बूढ़ानाथ के लिए और बाबा महादेव के लिए निकलता है। सब जगह आप देखे होंगे खाटू श्याम वगैरह का जो निकलता है, लेकिन बाबा बूढ़ानाथ का और महादेव के नाम पर ये पहली पूरे भारत का ये पहला निशान शोभा यात्रा निकलता। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के तरफ से ये 9वां साल है जब आज हमारा ये निशान शोभा यात्रा निकल रहा है
और ये कह लीजिए कि होली की शुरुआत हमारे इस आयोजन से ही शहर में होती है, जिसका सब लोग हमेशा साल भर इंतजार करते हैं। और इस बार तो हम लोग को मतलब भरोसा नहीं हो रहा, इतने ज़्यादा लोग उत्साहित से मतलब आ रहे हैं खुद चल चल करके, और निशान के लिए कह रहे हैं। इस बार तो हम लोग का निशान, आप लोग को सही बताएं कि कम पड़ गया, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, इतने लोग श्रद्धालु निशान चढ़ाने के लिए बाबा के लिए आ रहे हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के बड़ी कमलचक यादव टोला निवासी बाबूलाल यादव छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ एचसीजीडी सेवा दे रहे ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। बाबूलाल यादव को लेकर आए सीआरपीएफ के हवलदार सुजय कुमार ने बताया कि खाना खाकर टहल रहे थे, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े, जिसके बाद उनको प्राथमिक उपचार के लिए कैंप के चिकित्सक के पास ले जाया गया, परंतु तब तक वो शहीद हो चुके थे। इससे पहले अपने बड़े बेटे से सुबह 8 बजे वीडियो कॉलिंग पर बात भी की थी। पूर्व में हल्की तबीयत खराब हुई थी, उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक था। सीआरपीएफ बटालियन की तरफ से अंतिम संस्कार करने के लिए 50,000 की सहायता भी की गई है। वहीं सीआरपीएफ के बटालियन की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। परेड करने के बाद उनको चक्कर आया, चक्कर आने के बाद इन्होंने गिरा, गिरने के बाद वहाँ पीटी परेड मतलब कर रहे थे, पीटी परेड नहीं कर रहे थे। अभी ऐसा है ना कि खाना खाने के बाद होता है, हमारे फौजों में लोग टहलते हैं, तो 200-400 को टहलते, जैसे खाना उनका डाइजेशन, इस वजह से वो टहल रहे खाना खाने के बाद रात के 9:30 बजे। कैंप परिसर में कौन कह तारीख 29 अचानक उनको चक्कर आया। चक्कर आने के बाद वहाँ मौजूद वहाँ एक आदमी थे, उनके साथ नहीं, वैसे वो भी टहल रहे थे, उन्होंने उनको उठाया, देखा कि उनको चक्कर आया, वहाँ पर 2 मिनट के अंदर तुरंत अपना जो उनका प्राथमिक उपचार होना चाहिए, हमारे कैंप में MBBS डॉक्टर एट ए टाइम उपलब्ध रहा। साथी ने उठाया, उसके बाद वहाँ पे हमारे कैंप में डॉक्टर MBBS डॉक्टर ने हर वक्त रखा, कैंप के डॉक्टर के पास ले गए, कैंप के डॉक्टर पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ से फिर बड़े उपचार के लिए जिला सदर अस्पताल बीजापुर वहाँ हुआ, प्राथमिक उपचार हुआ, प्राथमिक उपचार हुआ जिला, इसके बाद जिला सदर हॉस्पिटल जिला का बीजापुर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके तहत वैसे परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसी कड़ी में आज भागलपुर जिले के स्नेह नवजात एवं बाल सेवा केंद्र में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज शुरू किया गया। स्नेह नवजात एवं बाल सेवा केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहाँ उपलब्ध सभी तरह के इलाज अब आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त कार्ड से हो सकेगा, जिससे वैसे गरीब नागरिक जो इलाज कराने में सक्षम नहीं हो सकते थे, अब वो अपने बच्चों का सफल इलाज करवा पाएंगे। आज उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं आयुष्मान कार्ड से इलाजरत बच्चों के परिजनों ने कहा कि इस कार्ड योजना से हम लोगों को काफी सुविधा मिल रही है, साथ ही साथ इस योजना की जानकारी हमें स्नेह नवजात एवं बाल सेवा केंद्र में आकर प्राप्त हुआ। आज हमें बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारे स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा हो चुकी है, यानी 5 लाख तक का इलाज बच्चों का यहाँ, खास बच्चों का और नवजात शिशु का यहाँ मुफ्त है, और इस मुफ्त में सारा दवा जांच सब चीज़ है, यहाँ का चार्जेज डॉक्टर का चार्जेज सारा मुफ्त है, इसमें कोई किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है जब से आयुष्मान कार्ड एक्टिव होता है तब से। जिन बच्चों का नहीं बना है, यदि माँ बाप का आयुष्मान कार्ड में लिस्टिंग है उसका वो बन सकता है, और 5 साल तक के बच्चे का यदि माँ पिता का है तो उसका आयुष्मान कार्ड का ज़रूरत भी नहीं है, उसी के आधार पर बन जाता है। जो बीमारी हम इलाज कर सकते हैं वो सरकार के द्वारा हमें छूट है कि हमने दिया है कि चाइल्ड केयर, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर, जैसे ऑपरेशन हम कर ही नहीं सकते तो उसका है ही नहीं, तो न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर का जो भी हमारे पास सुविधा है उसके तहत हम उसका इलाज कर सकते हैं, यानी हमारे पास मेडिकल है और कुछ ब्लड चेंज वगैरह करते हैं जो भी है तो उसके तहत हम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी जो आ रहे हैं अभिभावक बच्चे को लेकर, तो उससे पूछते हैं कि आयुष्मान का आपको सुविधा है, तो बोलते हैं नहीं है। एक्चुअली उनको आयुष्मान कार्ड की कार्ड नहीं मिला हुआ है, तो वो समझते हैं कि हमारे पास उसकी सुविधा नहीं है, लेकिन यदि आपको राशन कार्ड है तो आप यानी गरीब की सूची में सरकार में हैं,
तो आपकी पूरी संभावनाएं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आयुष्मान कार्ड के लाभुक का जो लिस्ट होता है उसको आप चेक कराएं तो आपका चांसेस रहेगा कि आपके आयुष्मान कार्ड में लिस्टिंग में होंगे। भांजा कविता कुमारी मेरी सिस्टर हुई, उनका पुत्र 22 को जन्म लिए थे और सर के यहाँ 24 को भर्ती कराए थे। यहीं पे सर स्नेही बाल विकास में सेवा केंद्र में, तो सर के यहाँ 24 को रात में आए थे 3 बजे सुबह में, तो इमरजेंसी में भर्ती लिए सर। उसके बाद हमको एक दो दिन बाद हम आए तो सर ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, हम लोग को उतना पता नहीं था। फिर सर बोले कि अपना नाम चेक कराओ, देखो है कि नहीं, तो हमने अपनी सिस्टर की नाम चेक किए तो राशन कार्ड में आयुष्मान में नाम बना हुआ था। उस दिन से सर बताए तो फिर हम बनवा के सर के ही यहाँ पे है मृत्युंजय सर के द्वारा हम आयुष्मान कार्ड बनवाए बहन का। फिर उस दिन से 26 को बनवाए, फिर 27 से फ्री इलाज सर के यहाँ होने लगे। नहीं, उसके बाद से सर कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, पैसा कार्ड बहुत अच्छा इलाज सर कर रहे हैं। जगदीशपुर प्रखंड के अंगारी मोड़ पर एक प्रखंड स्तरीय सम्मेलन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करना और आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, इस पर चर्चा की गई। साथ ही प्रखंड संगठन का विस्तार करते हुए दशरथ मंडल को प्रखंड अध्यक्ष, भारती शर्मा को महिला प्रखंड अध्यक्ष, सुरेश मंडल को जिला महासचिव, विजय सिंह को प्रखंड प्रधान महासचिव, बागेश्वर दास को अनुसूचित जाति का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मंडल एवं भारती शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सुमित सिंह कुशवाहा प्रदेश सचिव उपस्थित रहे। साथ में जिला उपाध्यक्ष गोपाल कुशवाहा, जिला महासचिव सुबोध कुशवाहा, जिला सचिव सुरेश कुशवाहा, अनुसूचित जाति नगर अध्यक्ष सुंदर लाल हजारी उपस्थित रहे। मोर्चा की एक प्रखंड स्तरीय बैठक है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसमें आज प्रखंड का विस्तार भी, संगठन का विस्तार भी होना है, पार्टी के एजेंडे को भी समझाना है और किस तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए अलायंस में आ करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करेगी, इस पर बातें होनी है। अभी हमारे समय से लगभग 50 लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है। आज यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष, महिला प्रखंड अध्यक्ष और भी कई सारे पदाधिकारियों की घोषणा अब होनी है, चूँकि सदस्य बने हैं। नई पार्टी थी, नए नाम से आई है, पार्टी पुरानी थी, नए नाम से फिर से आई है, संगठन का विस्तार पुनः हो रहा है और ये इस बैठक के बाद यहाँ पर चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगी उसको देखते हुए भी कार्यशैली को अंजाम देना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का आज जो भी प्रखंड का जो ज्वाइन करने वाले हैं उन्हीं लोग को आज सदस्यता दी जा रही है और ज्वाइन करवाया गया है आज। पार्टी क्या मकसद सर? हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी को फिर से 2024 में अच्छे से वापस लाए, प्रधानमंत्री बनाए और हम बहुत पसंद करते हैं उनको, इसलिए हमको यहाँ पे अच्छा मौका मिल रहा है ये हम मोदी जी के लिए कुछ करने के लिए। वार्ड से लेके प्रखंड तक मजबूती से काम करेंगे, जान जी खो के दम लगाएंगे, फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।